Hi, welcome back into my channel, and today I'm going to discuss about some tips how to improve your spoken English, whatever level you are, how to improve that level. I'm going to share with you some of my own tips. So I request you, please listen to the list. My name is Devabrata Rai. Abuse, ye jo word hai, iska singular mein do tarah ka maina hota hai. या तो रॉन्ग यूज और या तो रिप्रोच, तिरस्कृत करना, या तो गाली देना के बराबर. ओके, तो हम सिंगुलर में इसका दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं. शी हैज़ नेवर हर्ड एनी अब्यूज फ्रॉम मी. उन्होंने हमसे कभी कोई तीखी बात नहीं सुनी. ये सिंगुलर में एक तरह से. दूसरा ये हो सकता है, देयर हैज़ बीन अब्यूज ऑफ पावर, या ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर हैव बीन अब्यूजेस ऑफ पावर, यानी कि यहाँ पे क्षमता का दुरुपयोग हुआ है, एक बार या तो बार बार हुआ है. लेकिन अगर तिरस्कृत करने की जो अर्थ है उसको प्लूरल में यूज़ करेंगे, She has never heard any abuses from me. तो ये गलत होगा, क्योंकि plural में इसका एक ही अर्थ निकलता है, wrong uses. ठीक है. Practice यानी अभ्यास, इसका भी singular में दो अर्थ है, एक अभ्यास और एक दूसरा आपका occupation. लेकिन plural में सिर्फ अभ्यास ही बताया जाता है. जैसे कि हम कह सकते हैं, यू शुड गिव अप बैड प्रैक्टिस और प्रैक्टिसेस, दोनों ही सही है. लेकिन हम अगर ऑक्यूपेशन के बारे में बोलना चाहेंगे तो हमें बोलना होगा, दिस लॉयर हैज़ ए गुड प्रैक्टिस. अगर हम ये बोलें कि दिस लॉयर्स हैव गुड प्रैक्टिसेस, तो ये गलत होगा, क्योंकि पेशा के तौर पे प्लूरल का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ सिंगुलर का ही प्रयोग होगा. प्रैक्टिस, प्रैक्टिसेस सर्वदा हैबिट्स यानी अभ्यास को व्यक्त करता है. ठीक है. पीपल, पीपल यानी पर्सन्स का प्लूरल, बहुत सारा व्यक्ति, देयर आर 8 पीपल. पीपल का और एक अर्थ भी है, नेशन, देश, जाति. इंडियन, इंडियंस आर ग्रेट पीपल. लेकिन अब जब पीपल्स कहेंगे तब बहुत सारा लोग नहीं समझ आएगा, उसमें सिर्फ आप यही समझा पाएंगे बहुत सारा देश, नेशंस. जैसे कि डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट कस्टम्स, लेकिन अब कदापि बहुत सारा लोग ऐसे समझाने के लिए पीपल्स का प्रयोग मत कीजिए. जैसे कि अगर आपको पूछा जाए, हाउ मेनी पीपल आर देयर, तो आप ऐसा मत बोलिए, देयर आर 10 पीपल्स. यह गलत होगा, क्योंकि पीपल बहुत सारा लोग प्लूरल को ही दर्शाता है, इसमें एस का कोई उपयोग नहीं है बहुत सारा लोग समझाने के लिए. फोर्स यानी शक्ति, ही हैज़ बीन ओवर पावर्ड बाई फोर्स, सिंगुलर में ये प्रयोग है. लेकिन और एक अर्थ है, ट्रूप्स यानी सैन्य दल या पुलिस, ही हैज़ बीन ओवर पावर्ड बाई फोर्स. प्लूरल में एक ही अर्थ है, बहुत सारा सैन्य दल या तो पुलिस वाहिनी, उसमें आप शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं. अगर आप अपनी सामर्थ्य समझाने के लिए फोर्सेस का प्रयोग करेंगे तो ये गलत होगा. फोर्सेस यानी पुलिस का दल ही होगा, या तो सैन्य का दल ही होगा, दो तीन या उससे ज़्यादा. जैसे कि द अमेरिकन फोर्सेस स्प्रेड ओवर नॉर्थ ऑफ अफगानिस्तान. लेकिन एक बार आप कहेंगे कि उसको बहुत सारा जोर देके परास्त किया गया है, तो उसमें आप फोर्सेस का प्रयोग करेंगे,
ही हैज़ बिन ओवर पावर्ड बाई फोर्सेस, तो वो गलत मायने हो जाएगा, यानी कि बहुसरा पुलिस बाहिनी या तो दल आया था उसे ओवर पावर्ड करने के लिए, तो वो गलत होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि आई हैव एन एडवाइस फॉर यू, आई हैव ए न्यूज़ फॉर यू, तो ये गलत हुआ क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, इसे गिना नहीं जाता सिंगुलर या प्लूरल की तरह। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, आई हैव सम न्यूज़ फॉर यू, आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू। अगर आप एक दो इस तरह से बताना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं आई हैव ए पीस ऑफ एडवाइस फॉर यू। कभी कभी हम लोग कहते हैं कोई पिक्चर देखने के बाद या तो कोई क्लास सुनने के बाद आई एम बोरिंग, ये गलत है। आपको कहना होगा आई एम बोर्ड, क्योंकि ईडी एडजेक्टिव और आईएनजी एडजेक्टिव दोनों अलग तरह से यूज़ किया जाता है। जब आप कहेंगे आई एम बोरिंग, इसका मतलब होगा आप खुद ही किसी का बोर होने का कारण है। जैसे कि आप कह सकते हैं द फिल्म इज़ वेरी बोरिंग, बट एक्चुअली यू आर डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन। आईएनजी जो है वो सिचुएशन को व्यक्त करता है, लेकिन किसी के अनुभव को व्यक्त करने के लिए आपको ईडी एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा। जैसे कि आई एम बोर्ड, दैट मीन्स आप बोर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे बोरिंग, तो वो जिसको आप व्यक्त करें वो खुद ही बोरिंग है, या तो जिस चीज़ को आप कहना चाहते हैं वो चीज़ बोरिंग है। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हैं द फिल्म इज़ वेरी बोरिंग, ओके। लेकिन अगर आप कहेंगे कि आई एम बोर्ड, तो इसका गलत मायने निकलेगा। धन्यवाद। If you liked my video, please subscribe my channel and share it with your friends in social media so that I can upload more and more videos for you. For my previous videos, you may visit my channel. The link is given in the description box. And please press the bell icon to get instant notification for my upcoming videos. And don't forget to comment how you liked or disliked my video, okay? And what do you expect from me more, please mention. Your participation, your replies will encourage me to make more videos for you. Thank you.